हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आप लोग को कुछ ऐसी सुपर नेचुरल फैंटेसी बेस्ड एडवेंचरस मूवी के बारे में बताने जा रही हूँ, जिसे देखने के बाद इस मूवीज के दीवाने हो जाएंगे और इस मूवीज के अंदर आपको नेक्स्ट लेवल का मैजिक एडवेंचर देखने को मिलेगा। और सबसे अच्छी बात तो यही है कि सारी मूवीज आपको हिंदी में देखने को मिल जाएंगी। बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। आई नो आप लोग जल्दी से जल्दी इन मूवीज़ के बारे में जानना चाहते हो, लेकिन सबसे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। नंबर 5 पर जो सीरीज आती है उसका नेम है चिलिंग एडवेंचर ऑफ सबरीना। 2018 में स्टार्ट हुई ये एक डार्क एडवेंचरस फैंटेसी पावर मूवी है। इसमें आपको सुपर नेचुरल पावर और डार्क फैंटेसी भी देखने को मिल जाएंगी। इस सीरीज में आपको सबरीना के एडवेंचर्स को देखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है और आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐसी देखने को मिलेंगी जो इस सीरीज़ को और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना देती हैं। इसमें आपको कई सारे मॉन्स्टर्स और क्रिएचर्स भी देखने को मिलने वाले हैं। सीरीज़ को अच्छे कैरेक्टर और ग्रेट सोर्स मटेरियल की वजह से काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। सीरीज़ को देखने के बाद आपके लिटरली गूज़बम्प आ जाने वाले हैं। इस सीरीज में आपको लिटरली ड्रामा, एक्शन, क्राइम थ्रिल, सुपरनैचुरल एक्टिविटी, सस्पेंस बहुत ही ज्यादा मिलने वाला है। सीरीज में आपको सबरीना की स्टोरी देखने को मिलने वाली है। सीरीज में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि उसके 18 बर्थडे पे उसे एक विच की पावर मिल गई है और उसे अपने 18 बर्थडे में चूज करना है कि वो डार्क पावर की तरफ जाएगी, अपनी विच पावर की तरफ, या फिर अपनी अच्छी पावर को लेके वो दूसरी ओर जाएगी। उसके पास विश पावर आ जाती है जिसकी वजह से उसे अपना घर छोड़ना पड़ता है और काफ़ी सारी चीज़ें होंगी जिसे देखने में आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। ये सीरीज़ और भी ज़्यादा थ्रिलिंग और सस्पेंस से सब भर जाती है जब हमें दिखाया जाता है कि जो हमारी सबरीना है वो द मॉर्निंग स्टार की बेटी है। इस सीरीज़ को और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना देगा। सीरीज़ की मेरी हाईली रिकमेंडेशन है कि आपको ज़रूर देखनी चाहिए। ये सीरीज़ आपको नेटफ्लिक्स में हिंदी में देखने को मिल जाएंगी। पर जो नंबर 4 पर सीरीज़ आती है उसका नेम है वेंसडे। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं कि इस सीरीज में आपको मॉन्स्टर क्रिएचर, सुपरनेचुरल एलिमेंट और मर्डर मिस्ट्री देखने को मिलने वाली है। इस सीरीज को पूरा कंप्लीट करने के लिए आपको टोटल 8 एपिसोड देखने पड़ेंगे जिसकी लेंथ होने वाली है हर एपिसोड की 1 घंटे की। ये आपको हिंदी डब में देखने को मिलने वाली है, वो भी नेटफ्लिक्स पर, और इसकी डबिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। इस सीरीज में आपको एडवेंचर और वायलेंस काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल सकता है, लेकिन आप इस सीरीज को अपनी फैमिली के साथ आराम से इंजॉय कर सकते हो। इस सीरीज में आपको एडम्स फैमिली की स्टोरी देखने को नहीं मिलने वाली है, बल्कि आप वेंसडे की पूरी जर्नी को देखने वाले हो, जो नेवर मोर एकेडमी में नहीं जाना चाहती है, लेकिन ना चाहते हुए भी उसे उस एकेडमी में जाना पड़ता है। लेकिन जब वो उस एकेडमी में जाती है तो उसे पता चलता है कि कोई तो है जो उसके पीछे पड़ा हुआ है। इस एकेडमी में आपको डिफरेंट डिफरेंट लोग देखने को मिल जाने वाले हैं जिनके पास भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की पावर होती है। लाइक किसी के पास वेयरवुल्फ की पावर है, तो किसी के पास वैम्पायर की पावर है, तो किसी के पास जेलीफिश की पावर है। लेकिन जैसे जैसे वेंसडे पूरी एकेडमी को जानना शुरू ही कर रही होती है धीरे धीरे कि अचानक एक मर्डर हो जाता है, फिर वेंसडे उस मर्डर को इन्वेस्टिगेट करना स्टार्ट कर देती है जिसका लिंक है उसकी फैमिली से। ये जो सीरीज़ है वो नेटफ्लिक्स की एक टिपिकल फैंटेसी और टीनेज सीरीज़ को प्रेजेंट कर रही है। इस सीरीज़ को आप नेटफ्लिक्स पर आराम से हिंदी डब्ड में इंजॉय कर सकते हो। सीरीज़ आपको ज़रूर देखनी चाहिए अगर आप फैंटेसी ड्रामाज या सीरीज़ को या मूवीज़ को देखना पसंद करते हो तो। उसके बाद नंबर 3 पे जो सीरीज आती है उसका नेम है ऑल ऑफ अस आर डेड। इस सीरीज में टोटल आपको 12 एपिसोड देखने पड़ेंगे जिसकी लेंथ होने वाली है 1-1 घंटे की। इस सीरीज को आप हिंदी डब्ड में देख सकते हो और इसकी जो डबिंग की गई है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी की गई है। इस सीरीज के अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा वायलेंस देखने को मिलने वाला है और काफ़ी ज़्यादा गालियाँ सुनने को मिलने वाली हैं। आप इस सीरीज़ को छोटे बच्चों के साथ नहीं देख सकते हो, लेकिन अपनी फैमिली के साथ इंजॉय कर सकते हो जो उसमें एडल्ट हो। ये एक कोरियन सीरीज़ है। अगर मुझे इस सीरीज़ को एक लाइन में डिफाइन करना हो तो मैं बोल सकती हूँ माइंड ब्लोइंग मास्टरपीस सीरीज़। ये सीरीज़ बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है और उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है इसे देखने को जो कि वायलेंस सीन देखना पसंद करते हैं, क्योंकि इस सीरीज़ में जिस तरह से वायलेंस को रिप्रेजेंट किया गया है उसे देखने के बाद आप हील कर रहे जाएंगे। सीरीज़ के अंदर आपको स्टोरी देखने को मिल जाएगी कि इमेजिन करो कि आप किसी कॉलेज में पढ़ रहे हो और आप कॉलेज में फंस जाते हो क्योंकि वहाँ पर जॉम्बीज का अटैक पड़ जाता है। तो उन जॉम्बीज से बचने के लिए और उस स्कूल से निकलने के लिए आप अपने दोस्तों के साथ मिलकर क्या क्या करोगे,
कैसे सरवाइव करोगे, ये सारी चीज़ें आपको इस सीरीज़ में देखने को मिल जाएंगी। इस सीरीज़ की कहानी बिल्कुल स्ट्रेट है, ज़्यादा ट्विस्ट और टर्न नहीं है, काफ़ी माइंड ब्लोइंग सीरीज़ है ये, और कुछ भी ज़्यादा दिमाग लगाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। ज़ॉम्बी आउटब्रेक से जो भी सारी चीज़ें देखने को आपको मिलती हैं, इसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से उसे एक्सप्लेन किया गया है। इसी स्टोरी के साथ आप काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड अपने आप को फील करने वाले हो और आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है, इसलिए इसे बिल्कुल देखना मत भूलिएगा। इसके बाद नंबर 2 पर जो सीरीज़ है उसका नेम है स्ट्रेंजर थिंग। सीरीज़ एक डार्क थ्रिलिंग इंटेंस एडवेंचरस सीरीज़ है। इस सीरीज़ की जो भी सीन है वो काफ़ी ज़्यादा डार्क होने वाली है। इस पूरी सीरीज़ को जब आप देखोगे तो आपको सस्पेंस ही सस्पेंस मिलेगा और आपके दिमाग में यही चलेगा कि आगे होने क्या वाला है। सीरीज़ में हमें जिस लड़की की स्टोरी दिखाने जाने वाली है उसका नाम एल होता है, और ये स्टोरी जो है वो सारी की सारी एल के ही आगे पीछे चल रही होती है। एल के पास कुछ सुपरनेचुरल पावर होती है जो उसे बर्थ से मिली होती है। बिकॉज जब वो पैदा होने वाली रहती है तब उसकी मदर जो है वो अपने ऊपर कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट करवा लेती हैं जिसकी वजह से उसे पावर मिल जाती है। वो अपने लाइफ के बचपन के बहुत सारे दिन एक कैद खाने में बिताती है। उसके बाद जब वो बाहर निकलती है तो क्या क्या चीज़ें करती है और क्या क्या होने वाला है, ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही ज़्यादा सस्पेंस और थ्रिलिंग से भर देंगी। और उसे जो सुपरनेचुरल पावर मिली होती है वो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग तब हो जाता है जब उसे पता चलता है कि ये सुपरनेचुरल पावर उसे कि ऐसे ही नहीं दी गई है, कुछ काम के लिए दी गई हैं। वो काम जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है क्योंकि वो दुनिया को बचाने का काम होता है। पूरी सीरीज़ में आपको देखने को मिल जाएगी कि कैसे वो एल अपनी पावर का यूज़ करती है, कैसे उसे कंट्रोल करती है क्योंकि उसके पास पावर बहुत ज़्यादा होती है, कि कैसे वो पूरी अर्थ को बचा पाती है, नहीं बचा पाती है। उसके पीछे कुछ ऐसे मॉन्स्टर और ऐसे क्रिएचर्स पड़े होते हैं जिससे लड़ना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होने वाला है क्योंकि उसके पास कुछ ऐसी डार्क पावर होती हैं जिसकी वजह से कुछ ऐसे क्रिएचर होते हैं जो उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। सीरीज़ की कुछ चीज़ें आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगी, एडवेंचर से लेके सस्पेंस, उसकी कॉमेडी, उसकी ह्यूमर, जो भी आपको टेंशन का माहौल देखने को मिलता है वो काफ़ी अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है, जिसके आप बहुत अच्छी तरीके से इंजॉय भी करोगे। इसके बाद जो नंबर 1 पर सीरीज़ आती है उसका नेम है हैरी पॉटर। इसका नेम तो आप लोगों ने सुना ही होगा क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी और वर्ल्ड फेमस हो चुकी है। जितनी भी सुपरनेचुरल पावर, फैंटेसी, एडवेंचर्स मूवी बनना स्टार्ट हुई है, सीरीज़ बनना स्टार्ट हुई है, वो सब इन्हीं से इंस्पिरेशन लेकर स्टार्ट हुई है बनना। इस मूवी को जो और भी ज़्यादा ग्रेट बनाती है वो है इसके अंदर दिखाई गई इमेजिनेशन, के अंदर जो फैंटेसी वाली दुनिया दिखाई गई है, और इसके कैरेक्टर्स। ये सारे कैरेक्टर्स के बारे में बात करने चाहेंगे तो हमें और भी ज़्यादा डेडिकेटेड और बड़ी वीडियो बनानी पड़ जाएंगी। मूवीज़ बचपन से चली आ रही हैं, अगर आपने बचपन में किसी से भी कोई भी मूवी के बारे में बच्चों से पूछा होगा तो उनके जुबान पर सिर्फ एक ही नाम होता होगा, वो होता होगा हैरी पॉटर। बेसिकली आपने बचपन से लेके अभी तक जितनी भी मूवी देखी होगी वो सारी मूवी आपको याद ना हो, लेकिन उस मूवी के अंदर कुछ ऐसे मेजर पार्ट होंगे जिसे याद करके आप उस मूवी को याद करते होंगे। और हैरी पॉटर के बारे में क्या ही बताऊँ, जितनी भी सारी मूवीज़ डार्क फैंटेसी ऊपर पावर की मूवीज़ बनाई जा रही हैं उस सब में हैरी पॉटर जो है वो सबकी बाप है, क्योंकि जितनी भी सारी मूवीज़ बनाई गई हैं वो सारी मूवीज़ हैरी पॉटर से इंस्पायर होकर बनाई गई हैं, और इसकी तारीफ में मैं क्या ही बोलूँ, वर्ल्ड ही कम है। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो जल्दी से जाके लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने फ्रेंड के साथ बिल्कुल भी शेयर करना मत भूलिएगा जो भी इस टाइप की डार्क फैंटेसी सुपरनेचुरल पावर वाली मूवी देखना पसंद करते हैं। तो बाय बाय गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।